मुकुल शर्मा एके स्टाफ लिस्टिंग्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ संडे स्टाफ। तो इस बारी संडे स्टाफ के लिए क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था कि यार ट्विटर पे पूछो, और काफी सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है समर जी का, वो कह रहे हैं योर फर्स्ट लैपटॉप एंड फर्स्ट स्मार्टफोन एंड व्हेन डिड यू गेट दीज। पहला लैपटॉप मैंने 11th में लिया था और वो एचपी का लैपटॉप था, काफी इतना मोटा लैपटॉप था। और पहला स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S20 मैंने खरीदा मतलब मेरे पापा ने मेरे को लेके दिया था। दैट वॉज बैक इन आई बिलीव व्हेन आई वॉज इन फर्स्ट ईयर, मेरी इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में मैंने ये पहला स्मार्टफोन लिया था। और इससे पहले एक कोट एंड कोट स्मार्टफोन था मेरे पास, नोकिया 5800 एक्सप्रेस म्यूजिक। नितेश जी आगे करें योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम 90s। यार नितेश, और मतलब सबको बताना चाहूंगा कि यार मैं आई एम अ 90s किड एनीवे, और मतलब एक सॉन्ग आइडेंटिफाई करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई एम अ बिग लिंकिन पार्क फैन, ACDC फैन ऑफ कोर्स आई एम, ग्रीन डे, देन एडिलिटास भी, देर आर सो मेनी बैंड्स एंड देर आर सो मेनी सिंगर्स जिनके मतलब सॉन्ग्स मेरे को अच्छे लगते हैं। सो या इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो पॉइंट वन आउट। चलो ठीक है, ऐसे अगर कोई बोलना हो तो वन लव फ्रॉम ब्लू एंड लिंकिन पार्क का पेपर कट यूज टू बी वन ऑफ माई फेवरेट वंस। बचपन की दिवाली और अब की दिवाली में आपको कितना डिफरेंस लगता है? कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब मैं अपने पेरेंट्स के साथ तब भी सेलिब्रेट करना पसंद करता था, अब भी करता हूँ, और तब भी मेरे को जो बम पटाखे होते हैं ना उनकी वो जो आती है एक खुशबू कह लो, स्मेल कह लो, जो मर्जी कह लो, तो वो मेरे को तब भी इतनी खास पसंद नहीं आती थी। आई यूज टू फील ऑकवर्ड, अभी भी मेरे को वैसा होता है बिकॉज मेरे को ना सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आई डोंट लाइक दैट। अदर देन दैट मिठाइयाँ तब भी खाते थे, अब भी खाते हैं, और वेट हमेशा दिवाली के आसपास मेरा बढ़ जाता है और अभी भी बढ़ा हुआ है। बट या फॉर मी दिवाली मीन्स यू नो द एंटायर फैमिली बीइंग टुगेदर, और पूजा आरती करना और कैंडल्स लाइट्स जलाना, और यू नो स्पेंडिंग टाइम टुगेदर विद योर पेरेंट्स, विद योर रिलेटिव्स, और वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। एंड यू नो वॉट, एक और इनसाइड स्टोरी बताता हूँ मेरी, मतलब जब भी दिवाली पे हम घर पे होते हैं सारे, तो मेरे मामा जी की फैमिली हमेशा आती है, एंड दिस टाइम अराउंड दैट्स वाई आई वॉज बिजी दिस फुल वीक। मेरे मामा जी ग्रेटर नोएडा में आ रखे थे, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे आ रखी थी, सो वी सेलिब्रेटेड टुगेदर एंड दैट्स दिवाली फॉर अस। और आई होप कि यार आप सब लोगों की भी दिवाली मतलब बड़ी अच्छी गई होगी। अनिरुद्ध जी आगे पूछ रहे हैं ओके प्लीज आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस स्टफ लिस्टिंग्स दादा, व्हाई इज इट दैट राउंड पिज्जास कम इन स्क्वायर बॉक्सेस? सो दैट मतलब ग्राहक को लगे कि वो चीज बड़ी है बट वो अंदर से छोटी है, something like that. What is the sexiest name that you have heard? Stuff listings, style listings, stuff listings. What would you call a male ladybug? Mr. Bug, ladybugga. Sayam ji keh rahe hain give a list of top 10 games according to you and rank them including Rush Royale. Aise to bahut hai, sabse pehle matlab ye mere hisab se main aapko bata raha hu, pehli hogi meri priority list mein Super Mario, then it will be Super Contra, then it will be Smackdown Here Comes the Pain PlayStation 2, fourth will be Xena PlayStation 1, then fifth will be Rumble Racing, sixth would be Rush Royale, seventh will be Mr. Auto Fire, eighth would be GTA San Andreas, ninth would be PUBG. No offense meant to the current generation, but I have you know played a lot of better games in my opinion. And the last would be Double Dragon. इनमें से कितनी games को आप लोगों ने खेले वैसे, मतलब कितने लोग यहाँ पे 8-bit generation के हैं? Comment section में आप हमें बता सकते हैं। और वैसे 8-bit generation से याद आया, अभी नितेश ने पूछा था favorite songs. There was this song Blackbirds by Linkin Park. So that was also you know one of my favorite songs. मोहम्मद इस्माइल जी कह रहे हैं how are you भैया, मैं बढ़िया brother, आप कैसे हो? सब बढ़िया। वो कह रहे हैं what do you think about budget segment in India? As earlier we used to get excellent value for money phones under 15K, but now it has increased to 15-25K to buy a good phone. Will this go on increasing or will brands launch value for money phones under 15K? For example, Redmi Note 7 was launched at 10K. I kind of agree to this and I kind of disagree to this as well. Let me clarify this statement. See,
मतलब 5G फोन्स आपको 13-14 हजार रुपए में आजकल मिल रहे हैं, एंड दैट वाज नॉट द केस विद द 4G टेक्नोलॉजी. अगर आपको एक 4G स्मार्टफोन लेना होता था बैक इन 2014-15-16 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, बैक इन दैट डे 4G स्मार्टफोन्स यूज टू बी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स. तो आजकल ब्रांड्स को इतना तो पता है कि यार अफोर्डेबिलिटी इज काइंड ऑफ यू नो समथिंग, उसको अगर वो टैप करेंगे तो उनका फोन बिकेगा, उनका प्रोडक्ट बिकेगा. तो 13-14 हजार रुपए में 5G मिल रहे हैं फोन, एंड आई एम मोर देन श्योर कि यार 2022 में 10 हजार की रेंज में, 10 हजार से कम प्राइस में भी 5G फोन हमें मिलेंगे. तो उस एस्पेक्ट को देखा जाए तो यार कंपनीज ने कवर कर रखा है हर चीज को. कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो पहले बहुत बढ़िया थे, फॉर इंस्टांस एमुलेट पैनल्स, 10-15 हजार की रेंज में एमुलेट स्क्रीन्स मिल जाती थी, आजकल इट्स लाइक यू नो बहुत मुश्किल है टू पुल इट ऑफ. रेडमी नोट 10 डिड इट दिस ईयर, द 4G वेरिएंट, बट अगेन वो 4G और 5G का वहां पे एक कॉम्प्रोमाइज या ट्रेड ऑफ था. तो वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन की बात करें तो यार अगेन ये डेफिनेशन हर इंसान के लिए चेंज होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट मैं चाहूंगा कि ब्रांड्स एग्रेसिव से एग्रेसिव होते जाए व्हेन इट कम्स टू यू नो प्रोवाइडिंग एज मेनी फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस इन एज लेस प्राइस. अब या कुछ चीजें मतलब महंगी भी हो गई हैं, कुछ कंपोनेंट्स महंगे हैं, चिप शॉर्टेज का आपको पता है, तो यार इन सारी चीजों के चलते हो सकता है प्राइसिंग बढ़ी भी हो, बट कुछ चीजों की प्राइसिंग घटी भी है. आजकल यार मतलब 108 मेगापिक्सल वाले स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 सीरीज वाले स्मार्टफोन हमें 10 से 20 की रेंज में भी मिल रहे हैं. प्रणय जी आगे कह रहे हैं, बहुत सीरियस क्वेश्चन है, क्या आलू की सब्जी बनाने के लिए सब्जी में आलू डालना जरूरी है कि नहीं? बहुत ही ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और अगर किसी को इसका आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. वैसे एक ऑल्टरनेटिव आपको बताता हूं, आपको सब्जी बनानी क्यों है, जोमेटो से भी आप आलू की सब्जी ऑर्डर कर सकते हो. बैठ जाओ. अभी जी आगे पूछ रहे हैं, इन विच मंथ ऑफ 2022 आर यू गोइंग टू मैरी स्टाइल लिस्टिंग्स, विल यू इनवाइट द एंटायर स्टाफ लिस्टिंग्स आर्मी ऑफ अराउंड मोर देन 200K, डोंट फॉरगेट टू इनवाइट मी अन्ना. या बाय द टाइम वी गेट मैरिड, मतलब अगर 2022 में इफ वी गेट मैरिड will probably will likely cross 300K. तो 300,000 लोगों को एक साथ invite करना, it's very difficult, but yeah, मैं तो सबको invite करूंगा. I know बहुत सारे लोग busy होंगे, किसी के exam होंगे, किसी की अपनी शादी होगी, तो किसी की अभी relationship शुरू हुई होगी, किसी का breakup होगा, so a lot of people might not show up, but a lot of people who will be interested to attend our wedding, मैं सबको invite करूंगा ही करूंगा. और yeah, इतने सारे लोगों को invite करने में दिक्कत आएगी, but Twitter tip फीचर मैंने सुना है कि एक्टिवेट हो चुका है. सूर्यकांत जी कह रहे हैं, मुकुल ब्रदर, व्हाई इज Xiaomi नॉट गिविंग अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर? अदर कंपनीज आर प्रोवाइडिंग द सेम अंडर 15K, बट Xiaomi इज नॉट डूइंग दैट even under 40K in the recent times, he's saying. That's a very valid question. और ये एक फीडबैक भी है Xiaomi को कि यार see, there are some things जो लोगों को पसंद आती है, मतलब मेजॉरिटी को पसंद आती है, इंक्लूडिंग एन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर. जहां तक मेरे को लगता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़े से ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं और वो थोड़े फास्ट भी होते हैं कंपेयरिंग विद यू नो अंडर डिस्प्ले स्कैनर्स, बट स्टिल लोगों को, अगर मेजॉरिटी को पसंद है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इंक्लूडिंग मी, तो अगर Xiaomi इस चीज को सुनेगा तो अच्छा रहेगा. और सुना है मैंने कि यार Redmi K50 सीरीज में हमें एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है. आई होप कि यार मतलब आगे Redmi के जो मिड रेंज स्मार्टफोन्स आएंगे उनमें भी हमें UD फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाए. सुपन शाह जी कह रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर ब्रो, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली ब्रदर. वो कह रहे हैं, मनी हाइस्ट का ट्रेलर देखा? बिल्कुल देखा, नया वाला बहुत मस्त था यार, मजा आ गया. कितने लोगों ने वैसे मनी हाइस्ट का ट्रेलर देखा आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. आगे वो कह रहे हैं, मुंबई कब आ रहे हो, अपने दूसरे घर में कब आ रहे हो, मिलते हैं इधर, बाकी क्या हाल चाल, लव यू फ्रॉम मुंबई. मुंबई मैं जल्दी आने वाला हूँ, एक मेरा आर्मी का फ्रेंड है तो बड़े दिनों बाद मेरी उससे बातचीत हुई. फन फैक्ट, उसने पेटीएम पे अकाउंट बनाया और मेरे को वो आ गई नोटिफिकेशन, उसका नाम भी मुकुल है, तो मुकुल सैनी जॉइंड पेटीएम ऐसा कुछ करके नोटिफिकेशन आई, तो आई गॉट इन टच विद हिम अगेन. तो ही इज वर्किंग, ही इज पोस्टेड इन मुंबई, तो मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ, हो सकता है दिसंबर एंडिंग में या जनवरी में, तो मैं आपको ट्वीट करके बता दूंगा, आप वहां पे पक्का मेरे से मिल सकते हो. विकास सोनी जी कह रहे हैं, क्या कभी आपके रिश्तेदार ने आपसे एक फोन की एडवाइस ली और आपने 3-4 फोन बताए और बाद में पता चला कि उन्होंने चौथा फोन ले लिया, मतलब जो आपने बताए उसकी कोई वैल्यू कोई कदर नहीं हुई और उन्होंने अलग ही एक फोन ले लिया? हाँ, ये तो मतलब रोज दिहाड़े होता है मेरे साथ. अभी मैं मामा जी की बात कर रहा हूँ, उनको भी बताया मैंने, उन्होंने फिर से अपनी ही मर्जी का कोई फोन ले लिया. अब मैं नहीं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन से उनको फोन सजेस्ट किया और विच वन डिड ही बाय, बट या मतलब ऐसा आए दिन होता है मेरे साथ और इट फील्स बैड यार. मतलब आप अपनी एक्सपर्टीज बता रहे हो उनको कि आपको क्या चाहिए, प्रोसेसर है, ये है, वो है, ले देके वो कहते हैं मैंने करनी अपनी है और ये फोन ना चमक बहुत अच्छा रहा था पीछे से, तो इसलिए मैंने ये फोन खरीद लिया, इफ यू नो व्हाट आई मीन.
राजेश जी कह रहे हैं Redmi Note 11 सीरीज इंडिया में कब आएगी, स्पेसिफिकेशंस एक्सपेक्टेड प्राइसिंग क्या होगी? यार चिप शॉर्टेज के चलते ना मैं आई डोंट वांट टू नेम अ लॉट ऑफ स्मार्टफोन्स जो इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाले। आईक्यू के भी कुछ स्मार्टफोन्स पे खतरे के बादल वैसे मंडरा रहे हैं और Redmi Note 11 सीरीज भी थोड़ा सा डिले हो सकती है, बट जैसे मेरे को एक कंक्रीट लॉन्च डेट पता चलेगी आपको पक्का से मैं बता दूंगा। देव सोनी जी कह रहे हैं क्या आप कभी जींद हरियाणा में आए हो? हरियाणा में तो मैं आया हूँ बट इस प्रांत में मैं नहीं आया, बट यस डेफिनेटली आई वुड यू नो वॉन्ट टू विजिट your place someday। यश सिंह जी पूछ रहे हैं why are companies not using Dimensity 900 processor despite being a very capable and cost effective processor? That's a very good question। First of all, chip shortage का तो एक reason है, but still smartphones तो launch हो रहे हैं और Dimensity 900 क्यों नहीं use किया जा रहा है ये मेरे को समझ नहीं आ रही। मैंने इसको एक दो smartphones में test किया है और इट्स सीरियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसर और दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। और किसी भी ब्रांड ने अगर मेरे से फीडबैक लिया तो ये आपका क्वेश्चन मैं बक्का उनको दिखाऊंगा कि यार अगर आप एक मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च करने की सोच रहे हो यू कैन सीरियसली ऑप्ट यू नो फॉर दिस प्रोसेसर। पागल खोपड़ी जी कह रहे हैं भाई अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो क्या करते हैं, कौन सा फोन यूज करते? फोन तो मैं मतलब आई हैव ऑलवेज बीन एंड यू नो एंड्रॉयड एंथुसियास्ट, तो फोन मैं कुछ भी करके EMI वगैरह पे भी लेता बट अच्छा ही फोन लेता अपने लिए। अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता तो क्या होता, मैं लीकस्टर तो हुई हूं, सो अ लीकस्टर डजंट नेसेसरीली हैव टू बी अ यूट्यूबर एनीवे, तो ये होता। बट अगर हाँ मैं अगर टेक में ही नहीं होता तो मैं प्रोफेसर होता जो मैं पहले था, मतलब आई वाज टीचिंग यू नो एट LPU और मैं वही कंटिन्यू करता, दैट वाज अ यू नो गुड जॉब और मैं उसको कंटिन्यू कर सकता था। टाइटन गेमिंग जी कह रहे हैं हाउ मेनी इयर्स विल नॉट टू गेट सॉफ्टवेयर अपडेट्स? अब यार एकदम से मेरे को ऐसे याद नहीं है बट मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके आपको इसका आंसर दे दूंगा। आगे वो कह रहे हैं कि आई थिंक यू एंड स्टाइलिस्टिंग्स वर लेक्चरर्स ऑफ LPU बिफोर दिस, या मैंने अभी बताया इसके बारे में। और वो कह रहे हैं कि कैन यू और स्टाइलिस्टिंग्स और बोथ ओपन अ चैनल फॉर साइंस स्टूडेंट्स लाइक मी, आई एम फेसिंग डिफिकल्टी विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th। वी कैन बट चैनल से ज्यादा अगर आपको ऐसे पर्सनली भी कोई रिक्वायरमेंट है आपकी स्टडीज से रिलेटेड तो आप कभी भी मेरे को बता सकते हो या स्टाइलिस्टिंग्स को बता सकते हो, विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। बट या चैनल इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू ओपन एन एजुकेशनल चैनल, सो या विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। दिव्यम जी कह रहे हैं प्रणाम भैया दिवाली कैसी गई, कुछ लिया क्या नया? बाय द वे सवाल ये था कि सच में एक स्लिम फोन में हेडफोन जैक देना मुश्किल है या फिर सब हमको मिलकर पागल बना रहे हैं? स्लिम स्मार्टफोन्स में हेडफोन जैक देना इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बहुत सारे पतले स्मार्टफोन्स में आपको जैक मिल जाता है, सो इट्स लाइक कहीं ना कहीं तो वो पागल बनाने वाली बात है, अपने TWS वगैरह बेचने हैं तो इसलिए जैक को हटा दिया जाता है। दिवाली पे मैंने दिवाली अच्छी गई, सब कुछ ठीक गया, कुछ लिया सबके लिए लिया, मतलब अपने लिए कुछ नहीं लिया इस बारी इट वॉज लाइक यू नो giveaways to my relatives, to my friends जो society में रहते हैं आगे पीछे, तो लोगों के लिए बहुत सारी चीजें ली including you know tech, but अपने लिए मुझे याद नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। चिरंजीव जी कह रहे हैं कैन वी गेट अ फन व्लॉग ऑफ योर डेली लाइफ, लाइक आप क्या क्या करते हो दिन भर, उसमें स्टाइलिस्टिंग्स डोमिनो डोरेंट भी होंगे एंड मोर इफ पॉसिबल, वुड लव टू सी एंड एंजॉय। यार आप लोग बताओ इफ यू वांट दिस। चिरंजीत तो बोल रहे हैं बिकॉज चिरंजीत मेरे भाई जैसे हैं और यू नो ही इज ऑलवेज सपोर्टिव ऑफ वट एवर आई डू, आप सब भी सपोर्ट करते हो तो इसलिए आप सब लोग एक बार बताओ कि यार शुड आई स्टार्ट मेकिंग दीज व्लॉग्स, इफ यू वॉन्ट तो पक्का से मैं बनाऊंगा। एंड अबाउट यू नो मोर कॉन्टेंट, गेमिंग न्यूज बहुत सारे लोगों को पसंद आ रही है और मेरे को भी आजकल ना गेमिंग में इंटरेस्ट बनता जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक डेडिकेटेड गेम स्टफ वीडियो प्लेलिस्ट भी शुरू की जाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुभम जी कह रहे हैं घर में आपको पसंद का खाना मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है, और अभी के लिए मेरी पसंद का खाना है बिल्कुल यू नो फैट फ्री खाना, बिकॉज अभी मेरे को वेट बहुत कम करना है यार, तो 10 किलो और वेट कम करना है, इसलिए पसंद का खाना मिल सकता हो या ना सकता हो मैं पसंद का खाना भी खा ही नहीं रहा। संतोष जी कह रहे हैं डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, व्हाट्स योर फेवरेट नंबर एंड व्हाई? आई यूज टू बट जब मेरा इंडियन आर्मी में मतलब जब मैं था तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से आई हैव स्टॉप्ड बिलीविंग इन दैट अगेन, यू नो नो पर्टिकुलर रीजन, बट पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ आई नाउ डोंट बिलीव इन दैट, बट स्टिल जो जिस नंबर में आप बिलीव करते हो ऑलमाइटी 5 दैट्स अमेजिंग। और कैमरा टॉप नयन जसवाल जी कह रहे हैं प्रीमियर कब से स्टार्ट होगा यूट्यूब में? प्रीमियर अगर आप बोलो तो मंडे से शुरू कर लेते हैं, आप लोगों का यू नो वोट बहुत मैटर करेगा। आज एक काम करते हैं कम्युनिटी पे एक पोल डाल देता हूँ कि यार शुड वी स्टार्ट डूइंग टेक्स्ट ऑफ प्रीमियर अगेन और नॉट, अगर वहां पे मेजोरिटी ने बोला हाँ तो पक्का से हम ऐसा कर लेंगे। संदीप जी कह रहे हैं स्टाइलिस्टिंग्स मैम के साथ शादी करने की प्लानिंग कब की है, आज इस बात का खुलासा होना ही चाहिए? मैं तो चाहता हूँ ऑनेस्टली कि यार 2022 में हो जाए, इट्स गेटिंग टू लेट। स्टाइलिस्टिंग्स की तरफ से आप देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, मेरी तरफ से तो भैया हाँ है। और
लास्ट क्वेश्चन पिक किया मैंने जैकी हिंदुजा जी का, वो कह रहे हैं डू यू नो व्हाट कम्स आफ्टर अंडी मंडी शंडी। पारिवारिक सवाल पूछा है, प्लीज कंसीडर आंसरिंग। अंडी मंडी शंडी के बाद आता है घमंडी। यस घमंडी, घमंडी इज द आंसर। आई नो घमंडी। तो ऑन दैट नोट गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी होगी बट काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर आज मैंने दिए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर से टेक्स्ट ऑफ के एक और नए एपिसोड में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, बोलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अ पीस। जय हिंद।